press the subscribe button, press the bell icon. You will receive all the notifications. आज हम बनाएंगे खीर, चावल की खीर बनाएंगे. इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत टेस्टी बनती है. इसके लिए हमें चाहिए 1 कप चीनी, 1/2 कप चावल, इलायची पाउडर, चिरौंजी और 1.5 लीटर दूध. सबसे पहले हम दूध को बॉईल करेंगे, उसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे, चिरौंजी डालेंगे, और इसे बॉईल आने तक हम पकाएंगे. खीर बनाते वक्त आप जब खीर बना रहे हैं उसी बीच में आप अपने जो चावल है उनको धो के थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दें और अपने दूध को बॉईल आने दें. दूध को हमें एकदम अच्छे से पकाना है, कम से कम 15-20 मिनट हमें दूध को पकाना है. जितना दूध अच्छे से आप पकाएंगे, हमेशा याद रखिएगा, उतनी ही टेस्टी आपकी खीर बनेगी. हमारे चावल जो हैं वो भीग चुके हैं, इन्हें हम हाथ से थोड़ा सा मैश करेंगे. ये देखिए मैंने इन्हें थोड़ा सा तोड़ लिया है दानों को, जो चावल थे हमारे. और अब हम इनको हमारी जो खीर है, जो हमारा दूध है, उसमें मिक्स करेंगे. देखिए हमारा दूध पहले से बहुत रिड्यूस्ड हो चुका है, अब हम इसमें हमारे चावल मिलाएंगे और इन्हें चावल पकने तक पकाएंगे हम. इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट फिर भी आप अच्छे से दूध अगर आपका पकेगा तो आपकी खीर बहुत टेस्टी बनेगी. और खीर को बनाते वक्त अगर आप उसके अंदर जो करछी है दूध में नहीं लगाएंगे तो आपकी जो खीर है वो कभी भी तले पे नहीं लगेगी. इसमें हम थोड़ी सी केसर डालेंगे, केसर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें. तो आप हमेशा ही ध्यान रखिए कि जैसे अगर आप खीर बना रहे हैं, आपको उसको खीर को हिलाने के लिए आप कपड़े की मदद से अपने भगोने को हिलाएं तो आपकी खीर जो है नीचे नहीं लगेगी तले पे. हमारी खीर बन गई है. गैस की फ्लेम से उतारने के बाद मैंने इसमें चीनी मिलाई है. आप चाहें तो गैस फ्लेम पे रख के ही इसमें चीनी मिला सकते हैं. मैंने इसमें बाद में चीनी मिलाई है गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद. इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारी जो खीर है वो बन के रेडी है. तो आप भी ट्राई कीजिए और अपने व्यूज़ जो हैं कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे आपकी खीर कैसी बनी. अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब मिस पूजा कुकिंग.